गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं परमवीर चौधरी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बोर्ड पे देख के ही पता चल गया होगा, क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स चलने वाला है। उसमें भी लेसन नंबर 2, जिसे हिंदी में बहुपद, अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं, यही हमको पढ़ना है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जानने की कोशिश करते हैं एक चर वाले बहुपद एवं उनके प्रकार। अभी जानेंगे क्या होता है बहुपद, एक चर वाला बहुपद क्या होता है और उनके कितने प्रकार होते हैं, इससे भी संबंधित बातें जानेंगे। चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, विजी व्यंजक किसे कहते हैं। तो आइए कुछ बातें जानते हैं, समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। कुछ बातें उसको बताने, बहुपद बताने से पहले मैं बताऊंगा आपको। प्रत्येक वह राशि, प्रत्येक वह राशि जिसका मान, जिसका मान निश्चित होता है, निश्चित होता है। प्रत्येक वह राशि जिसका मान निश्चित होता है वो अचर राशि कहलाती है, अचर राशि कहलाती है, अचर राशि कहलाती है। तो पहला हमें क्लियर हो गया, अचर राशि किसे कहते हैं। प्रत्येक ऐसी राशि जिसका मान निश्चित होता है, फिक्स होता है, बदलता नहीं है, हर प्रश्न में फिक्स होता है, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, अचर राशि। जैसे आप देख सकते हैं 2, 4, 3, 3/5, ऐसे ये सब राशियाँ होंगे, पाई, समझ गए, कैपिटल जी, ये फिजिक्स की बातें हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। तो ये सभी राशियाँ क्या कहलाती हैं, अचर राशियाँ। उसी के बाद चर राशियों की बात करते हैं। प्रत्येक वह राशि, प्रत्येक वह राशि, प्रत्येक वह राशि जिसका मान, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं, चर राशियां कहलाती हैं, चर राशियां कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी प्रश्न में आने वाली वह राशियां जिसका मान निश्चित होता है वो क्या कहलाती है, अचर राशि कहलाती है, क्या कहलाती है, अचर राशि कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों, अचर राशि। और वे भौतिक या वे राशियां जिसका मान परिवर्तित होता रहता है वो क्या कहलाती हैं, चर राशियां कहलाती हैं। ये बात जरूरी था जानना। जैसे चर में, जैसे आप जानते हैं प्रश्न में एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, अच्छा इसमें ए बी सी से भी दिखलाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभिक अक्षर से इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षर से दिखलाते हैं, इसका मान बदलता रहता। आप जानते होंगे गुरुत्वीय त्वरण जी का विमान बदल, अलग अलग स्थानों पर क्या होता रहता है, अलग अलग बदलता रहता है। तो ये सारी राशियाँ क्या है, चर राशियाँ हैं, और ये अचर राशियाँ। अब जानते हैं हम लोग विजी व्यंजक क्या होता है, विजी व्यंजक क्या होता है, विजी व्यंजक। आप जानते हैं गणित में 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, विजीय व्यंजक होते हैं, या फिर ध्यान से रखिएगा, 4 वो क्या होते हैं, गणितीय, ध्यान दीजिए, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक इंटू होता है और एक डिवाइड होता है। इन्हें गणितीय संक्रियाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब किसे कहेंगे, जब चर राशियां और अचर राशियां एक दूसरे के साथ, जब चर राशियां और अचर राशियां एक दूसरे के साथ इन चारों गणितीय संक्रियाओं द्वारा, गणितीय संक्रियाएं, जब चर राशियां और अचर राशियां
ये देखिए, ये अचर है और ये चर है। जब चर और अचर, चर और अचर राशियाँ इन चार गणितीय संक्रियाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ती हैं तो वही क्या बन जाता है, विजीय व्यंजक बन जाता है, विजीय व्यंजक बन जाता है। लाइक दैट, जैसे 5x2, ये विजीय व्यंजक है कि नहीं है। देखिए अचर है और ये चर है और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, x प्लस 5, बताइए ये विजीय व्यंजक है कि नहीं है। विजीय व्यंजक इसलिए है, ये क्या है, चर है, ये क्या है, अचर है, गणितीय संक्रियाओं द्वारा जुड़ा है। तो ध्यान दीजिए, जब चर और अचर राशियां इन चार गणितीय संक्रियाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, विजीय व्यंजक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, विजीय व्यंजक कहलाती हैं। आइए देखते हैं विजीय व्यंजक का डिफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। तो ये लेसन को मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि लेसन नंबर से कोई बहुत मतलब नहीं है हमारा। हमारा मतलब है जानकारी से, आप समझ गए हैं क्लास 9th का दूसरा लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा है कि चर राशियाँ किसे कहते हैं, अचर राशियाँ किसे कहते हैं। अब हमको गणितीय संक्रियाएँ भी समझ गए होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जोड़ घटाना गुणा और भाग। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये क्या होता है विजीय व्यंजक, विजीय व्यंजक क्या होता है, विजीय व्यंजक। आइए समझते हैं, हम देखते हैं विजीय व्यंजक का डिफिनेशन। विजीय व्यंजक, थोड़ा सा पानी की मात्रा इस पे साफ कर देते हैं उसके बाद बताते हैं दोस्तों। हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं बात करता हूँ विजीय व्यंजक की। विजीय व्यंजक तो ध्यान दीजिए, चर और अचर राशियों, चर और अचर राशियों की गणितीय संक्रियाओं, जोड़ घटाना गुणा और भाग के द्वारा एक दूसरे से जुड़ने पर प्राप्त संबंध ही क्या कहलाता है, विजीय व्यंजक कहलाता है। तो लिखेंगे चर तथा अचर राशियों, चर तथा अचर राशियों के गणितीय संक्रियाओं,